नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारा थंबनेल देखा होगा और अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप लोग अगर BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने BSc एग्रीकल्चर कर लिया है तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, कितना उसमें सैलरी लगभग मिल जाता है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जो लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और ऐसे ही अपडेट अगर लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो BSc एग्रीकल्चर होता है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि BSc एग्रीकल्चर वो है कितने साल का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ये वीडियो जो 12th एग्रीकल्चर किए हैं वो भी देख सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो BSc एग्रीकल्चर आप लोग करेंगे वो 8 सेमेस्टर की होती है। 8 सेमेस्टर मतलब कि 4 साल आपका ये होता है, ठीक है, 4 साल का कोर्स होता है आपका ये BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री होती है, ये BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, ठीक है। तो ये 4 साल का आपका डिग्री होती है। अब बात कर लें इसकी फ़ीस कितनी लगती है। जैसे आप लोग अगर गवर्नमेंट कोई यूनिवर्सिटी है उसकी अगर आप लोग फ़ीस करेंगे तो उसकी अलग फ़ीस होगी, और आप लोग अगर प्राइवेट में करेंगे, प्राइवेट में BSc करेंगे तो उसकी फ़ीस अलग होगी, ठीक है। जैसे कि आप लोग अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर यूपी में यूपी कैडेट का एग्ज़ाम दिया है और उसमें से 4 यूनिवर्सिटी जो होती हैं उसमें से किसी में भी आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो लगभग में आपके 54,000, ठीक है, 50 से 54,000 के लगभग आपकी फ़ीस वार्षिक होती है ये, ठीक है, मतलब एक साल में आपको इतनी फ़ीस लगेगी। उसमें सेमेस्टर के हिसाब से होती है, सेमेस्टर में 25,000 से और 27,000 के लगभग फ़ीस हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है स्कॉलरशिप वगैरह आ जाता है तो ये फ़ीस वहाँ से वापस हो जाती है, इसमें से 40,000 लगभग वापस हो जाती है, ठीक है। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर था इसका। और अब बात कर लें इसमें इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो हर एक अलग अलग, जैसे स्टेट में आप लोग देखेंगे, जैसे यूपी में यूपी कैडेट होता है, ठीक है, ऐसे ही राजस्थान में अलग होता है, बिहार में अलग होता है, और जो है आपका MP में अलग होता है, मतलब हर एक राज्य में इसका अलग अलग होता है। वैसे अगर आप लोग स्टेट, आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो ICR के थ्रू इसका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, BHU भी इसका एग्ज़ाम BHU से भी हो जाता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो डिटेल में चर्चा कर लेंगे। अब आप लोगों से एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हो गई, अब इसका स्कोप देख ले रहे हैं, ठीक है, स्कोप इसका क्या है। तो स्कोप इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोप है आपके लिए, बहुत ही आप लोग कह सकते हैं। जैसे आप लोग अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं इससे, सबसे पहले तो आप लोग, जैसे आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कैंपस का, जैसे आप लोगों की अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है तो आपके कैंपस से ही सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। कैंपस से सिलेक्शन हो करके जैसे आपके कैंपस में कंपनियां वगैरह आती होंगी तो वहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कैंपस सिलेक्शन होता है। अब कैंपस सिलेक्शन में बहुत सारे आपको पोस्ट दी जाएंगी, जैसे आपको रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जा सकता है, मतलब RDO इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जा सकता है, फील्ड ऑफिसर बनाया जा सकता है जिसको FO बोलते हैं। और आपको जो है अगर आप लोग अच्छे हैं पढ़ने में तो आपको जैसे मैगज़ीन वगैरह आप लोगों ने देखी होंगी, मैगज़ीन जैसे खेती और ये बहुत सारी मैगज़ीन आती हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उन मैगज़ीन का जर्नलिस्ट में आपको बना दिया जाएगा, ठीक है। तो कैंपस सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें सैलरी कितने तक की जाती है, तो आप लोग अभी देखेंगे जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में जो है कैंपस सिलेक्शन जो है कितने अभी कितना गया है, तो 25 लाख के लगभग यहाँ पर एक स्टूडेंट का गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं 25 लाख के लगभग यहाँ पे इनका हो जाता है। वैसे और भी यूनिवर्सिटी में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा आप लोगों को मिल जाता है, कहीं कहीं 50 लाख के लगभग मिल जाता है, जैसे आपकी कंपनियाँ आ जाएँ और जैसे ही आप में क्वालिटी है पढ़ने की तो वैसा आपका प्लेसमेंट वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लें, पहली बात हो गई कैंपस सिलेक्शन की, तो कैंपस आप लोगों का तभी सिलेक्शन होगा जब आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप लोगों का सेक्शन होता है कि MBA आप लोग कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं और PGDM कर सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में तो बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो आप लोग अगर इनके बारे में डिटेल में वीडियो बनवाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि जो PGDM होता है
और MBA होता है, ठीक है। एक बार इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया, MBA आपने कर लिया और अच्छा सा 25 से 30 लाख का इसमें पैकेज शुरुआत में मिल जाता है, ठीक है। 25 से 30 लाख का लगभग पैकेज इसमें मिल जाता है, और पिछले साल तो लगभग में 45 लाख तक का इसमें पैकेज मिला हुआ था, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, दूसरा इसमें ऑप्शन ये हो गया। अब तीसरा ऑप्शन आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल आप लोग जिसकी भी कोई भी किसी भी स्ट्रीम का छात्र है, चाहे वो BSc एग्रीकल्चर किया है या फिर कुछ भी किया है, BSc मैथ किया है, तो वो जो कंपटीशन की तैयारी करता है वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी वो जो करता है वो आप भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे UPSC हो गया, ठीक है, UPSC हो गया और UPPCS हो गया, ठीक है, UPPCS हो गया या फिर कोई भी स्टेट का PCS हो गया, आप लोग बैंकिंग में जा सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग में जा सकते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, और आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अब एग्रीकल्चर में जो है एग्रीकल्चर वाले लिए जाते हैं वो क्या है, जैसे कि आपको ADO बना दिया जाएगा। ADO का मतलब क्या समझते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। AEO बना दिया जाएगा आपको, ठीक है, AEO आप लोग बन सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। DHO आप लोग बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आपका ऑफिसर भी होता है, वो भी आप लोग बन सकते हैं, DCO वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। और इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग में जा सकते हैं आप लोग, ठीक है, बैंकिंग में जो एग्रीकल्चर के लिए ही होती है, बैंकिंग में आप लोगों के लिए अलग से आती है IBPS AO करके, ठीक है, IBPS AO, ठीक है, इसकी वैकेंसी आ जाती है। और SO आप लोग बन सकते हैं, ठीक है, और आप लोग क्या बन सकते हैं, FCI में आप लोग जा सकते हैं, NSC में जा सकते हैं, ठीक है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, और यहाँ पे IFCO में भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। IFCO जो आपकी वैकेंसी आती है वो भी आप लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे करियर के ऑप्शन हैं, आप लोग अगर कहेंगे, कमेंट करेंगे तो डिटेल में इन सब के ऊपर एक वीडियो बना देंगे। इसमें केवल हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं वो परेशान होते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ भी करियर ऑप्शन है या नहीं है, करियर हमारा बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो उनके लिए बहुत कुछ है। आप लोग अगर BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर करते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब चौथी बात कर ले रहे हैं, चौथा आप लोगों को तीन देख लिया आपने, चौथा आप लोग क्या कर सकते हैं, टीचिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। टीचिंग BSc करिए, MSc करिए, PhD करिए और वहाँ पे फिर टीचिंग के लाइन में आप लोग जा सकते हैं। पाँचवा आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट आप लोग बन सकते हैं। छः नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, छः नंबर आप लोग देखेंगे तो आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों ने सुना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप जो आप लोग उसको समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन भी आप लोग बन सकते हैं। बिजनेसमैन आप लोग कैसे बन सकते हैं, आप लोग किसी का भी बिजनेस कर लीजिए, जैसे कि जैसे आप लोग क्या करेंगे, डेयरी में कोई भी बिजनेस कर लेंगे आप लोग, ठीक है, डेयरी का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि दूध तो सभी लोग पीते हैं ना, तो इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आप लोगों का ये बिजनेस चल गया तो आप लोग बहुत आगे तक निकल जाएंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, और बर्मी कंपोस्ट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, बर्मी कंपोस्ट वगैरह इसमें बना सकते हैं, और आप लोग मुर्गी पालन खोल सकते हैं अपना, ठीक है। अब मुर्गी पालन के नाम से बहुत लोग हंस रहे होंगे कि मुर्गी पालन आप लोगों का चल गया तो बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है मुर्गी पालन, क्योंकि अंडे तो बहुत लोग खाते हैं तो वो खाते ही रहेंगे, तो इनकी जो है ज़रूरत पूरी करने के लिए आप लोग मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि आप लोग पोस्ट हार्वेस्ट में भी जा सकते हैं, जैसे आप लोगों ने क्रॉप ली पोटैटो, ठीक है, पोटैटो क्रॉप ली, अब इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, मशीनरी का यूज करके और इससे चिप्स वगैरह बना करके और अपना बिजनेस इसका शुरू कर सकते हैं, जैसे बनाना का चिप्स जो है वो चल रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में, अगर आप लोगों के पास खेती है तो खेती को बहुत अच्छी तरीके से करके और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी आप लोग जी सकते हैं घर पे ही, ठीक है, तो इसने मशीनरी का यूज़ करके, ठीक है, मशीनरी का यूज़ करके अगर आप लोग खेती करेंगे तो ये संभव है। वैसे आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है, मशीनरी का यूज नहीं हो रहा है अभी, तो इसलिए थोड़ा खेती करना लोग पसंद नहीं करते हैं, तो आप लोग अगर पढ़ लिख के मशीनरी का यूज करके और खेती करेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे करियर के ऑप्शन बता दिए यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और भी अगर आप लोग इस पर वीडियो चाहते हैं बनाना,
जो है वीडियो अगर एक एक करके किसी भी आप लोग टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, आप लोग बीएससी किए हैं या फिर बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं या फिर हॉर्टिकल्चर किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो सबके लिए जो है यहाँ पर है, ठीक है। और डेयरी टैक्स से अगर आप लोग बीएससी कर लिए हैं तो आप लोगों का वहाँ से डेयरी वाली कंपनियाँ ले जाती हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा आप लोगों को पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो एक एक करके सबके बारे में जानकारी दे देंगे, कौन सी कैसी कब जॉब की उसके वैकेंसी वगैरह आती है, तो वो सब लोग अगर ये सब जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।